सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं जाने माने गांव, जाने माने एरिए से, हिसार ज़िले से वीडियो लेके आ रहे हैं मिंगणी खेड़ा गांव से, और बाविका डेयरी फार्म से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। खचाखच भरा हुआ डेयरी फार्म सामने देखिए, बहुत सारी भैंसे हैं। और शुरुआत करते हैं गाय से, और गाय के साथ खड़ी है एक बहुत ही शानदार जोटी। बाऊजी आज की वीडियो में है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे डिटेल से, सभी भैंसों की जानकारी लेंगे। जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ भैंस के बारे में बात करते हैं। बाऊ जी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र भाई, सभी वीडियो देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। बाऊ जी बहुत शानदार जोटी लिए खड़े हैं, बताइए इसके बारे में। टॉपर जोटी ली है, बिल्कुल शानदार शो क्वालिटी के, खोल के भी ले आओ भाई, बताओ जी इसके बारे में। इसके जी दूसरे ब्यांत की है, पहले ब्यांत में 18 लीटर दूध दिया है इसने। ठीक है, अभी इस बार देखो 20 दे 22 दे, वो किस्मत है। बिल्कुल बिल्कुल, 18 किलो दूध पहले ब्यांत में दिया है, दूसरी बार बच्चा दिया है। खीस से खाली हो चुकी है या अभी खीस में ही है? खीस से लगभग खाली है जी, लगभग खाली है, बिल्कुल छोटा सींग। परसों बच्चा दिया था इसने, खाली है। शानदार लंबाई ऊंचाई की है, देखिए बहुत ही बेहतरीन जोटी है। इधर ले आओ भाई, इधर ले घुमा के। तो बाबू जी बेचनी है या बिकी हुई है? ये आज सुबह ही सेल हुई है, इसकी बात आज सुबह ही हुई है जी। कितने की बेची है जी? 3.5 की। 3.5 लाख रुपए की ये जोटी बेच दी है, देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जोटी ले आ भाई। बिल्कुल छोटा सींग, चारों थन काफ़ी दूरी पे, और देखिए चेहरा भी बहुत ही सुंदर, नीचे से देखिए बहुत ही शानदार। पीछे पीछे भीम भाई बोल रहे हैं, 1-1 फुट के फासले पे हैं ये। भीम के मित्र ने लिए जी, भोपाल जाएगी। अच्छा भोपाल जानी है, ठीक है। ब्रीडिंग के लिए है वो, सिमन का भी काम उनका। अच्छा अच्छा, ब्रीडिंग के लिए जाएगी। देखिए साथ में कटड़ी है, बहुत ही सुंदर, और जोटी भी काफी सुंदर है। मेरा दोस्त है जी संदीप चौरासिया, भोपाल में। हाँ हाँ, सिमन का काम भी है और ये पूरा भोपाल में डिस्ट्रीब्यूटर का काम उनका। ठीक है, सिमन का मान ले उनके पास में पूरा भोपाल में। ठीक है ठीक है, चौरासिया पूरे हर पूरा भोपाल में जानते हैं जी सभी। ठीक है ठीक है, जोटी जाएगी जी। ठीक है ठीक है, और उन्होंने 5 भैंस लिए और 3 गाय लिए। ठीक है ठीक है, उन्होंने जती रहती मेरी हर बार उनके पास में। ठीक है ठीक है, बहुत ही शानदार जोटी है। और जोटी के बारे में कमेंट जरूर करके बताना आप कैसी लगी। अकेली की वीडियो बनानी चाहिए थी, 10-5 मिनट एक जोटी पे, ऐसी ऐसी जोटी पे बोला जा सकता है, लेकिन काफ़ी सारी भैंसे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इन। ये गाय जी बिकी हुई है? हाँ, ये जब आ जाओ आगे आ जाओ, बोल भीम तू बताए ना, आप साथ आ जाओ, वो माइक लगा रखा है ना। ये सभी 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है ये। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप थर पार्कर भी, लोग थर पार्कर बोल के बेचते हैं, लेकिन ये हरियाणा और थर पार्कर मिक्स है। हरियाणा और थर पार्कर, लोग थर पार्कर कह के पैसा लेते हैं, लेकिन ये हरियाणा थर पार्कर मिक्स में है। कितने कितने की बेची है ये? 40,000 की पुट है जी, एक एक बछड़ी 40,000 की। हाँ जी ठीक है, तो पहली बार भी आएंगी सारी? ये दूसरी बार है, ये दोनों पहली बार है, और ये तो करीबन 2 ही दांत है ये मुंह से। अच्छा अच्छा, लोग बोलते हैं झूठ बोल के 2 दांत है 4 दांत है, ये देखो। हाँ बिल्कुल 2 दांत है जी, और 4.5 महीने प्रेग्नेंट भी है। 4.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ठीक है ठीक है, 40,000 के हिसाब से जाएंगी। बाऊ जी से आगे पूछते हैं भैंसों के बारे में, और देखिए पीछे काफ बंधे हुए हैं सभी भैंसों के, सारी वैसे ताजी भी आई हुई हैं, और एक किस्म से मैं कहूँगा दोबारा से जो बिक्री का काम है वो बहुत बढ़िया, अब पिछले 10-15 दिन से हरियाणा में शुरू हो चुका है, क्योंकि पीछे जो है हर जगह से ही मंदा था। ये वैसे बाबू जी कितनी वैसे हैं इधर खड़ी? ये भोपाल की जाएगी। अच्छा, जो शुरू में है वो और 4 ये। ठीक है, शुरू में जो 4 भैंसे हैं ये भोपाल जानी है। ये दूध निकल के अभी आई है, गाड़ी मालिक ने दूध निकाल लिया लेट होने से। ठीक है, किस किस रेट की बेची आई है? ये दिए जी 1,10,000 में। ठीक है, 14-15 किलो दूध देगी जी। ठीक है, देगी नहीं। हाँ हाँ, और यही 14-15 किलो दूध देगी 1,12,000 में। ठीक है, 2 नंबर पे। हाँ हाँ, इसमें 19 लीटर दूध नाप के लिए, ये 3 टाइम नाप के लिए सुरेंद्र। ठीक है, 19 किलो। हाँ, वीडियो कॉल पे जैसे आजकल वो वीडियो तो होता है ना, 3 टाइम लगातार नाप के लिए 19 किलो। ठीक है, ये कितने की दी है 19 वाली, कितने की दी है ये? दिया जी 1,25,000 का। 1,25 की 3 टाइम मिल्किंग, लाइव मिल्किंग। ठीक है, इसका तो दूध नहीं निकला शायद? इसका नहीं ना, इसका नहीं निकला अभी। ठीक है ठीक है, ये देखिए काफी बढ़िया भैंस है, शानदार क्वालिटी की। हाइट में छोटी बोलते हैं, बड़ी बड़ी मैं देती है, छोटी भी दूध दे देती है, ऐसी छोटी ही ज्यादा दूध देती है वैसे अगर देखा जाए तो। बोलते हैं बहुत ऊंची ऊंची मैसे वो दूध देगी, ऐसी बात नहीं है, दूध वाली दूध देगी। बिल्कुल सही बात है। ये वाली
ये इसमें अभी 16 लीटर दूध तैयार है जी, 125,000 की। ये भी 125 की दी है, बहुत हैवी जोटी ये भी। ठीक है ठीक है, बहुत भारी जोटी है, देखिए 20 बार दूध देगी सुरेंद्र, अभी 18 लीटर अपनी डेयरी में भी। भोपाल की शायद मेरे ख्याल से 5वीं 6ठी गाड़ी होगी, ऑनलाइन जाती रहे। अच्छा अच्छा, ये देखिए बहुत ही शानदार एक और जोटी। इससे आगे जो है वो किधर जानी है बाबूजी, जो आगे वैसे वो कोल्हापुर अपने प्रभाकर पाटिल के, पाटिल साहब के पास जाना। हाँ, पाटिल साहब के, उनका लड़का आया हुआ था, खरीद कर और निकल गए। ठीक है ठीक है, सारी वैसे उधर जानी है। बाकी तो क्या बताएंगे, कुछ रेट वगैरह या कुछ क्या बताना चाहेंगे इसमें सुरेंद्र भाई? 80 से लेकर के और मतलब 1-10 तक की भैंस है। 80,000 से 1,10,000 के बीच में, ये देखिए साफ सुथरी भैंसे हैं बिल्कुल। प्रभाकर पाटिल हनुमान डेयरी फार्म से काम करते हैं वो, कई बार हमने उनका नंबर भी दिया है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया शानदार भैंसे दिख रही हैं, चारों थन काफ़ी दूरी पे हैं, नीचे की बिल्कुल साफ सुथरी भैंसे ही पाटिल साहब लेना पसंद करते हैं। हाँ, एक थन पसाओ एक नंबर का ले, सब अलग अलग थन लगे हुए जैसे सरदार मांग रहे ऐसी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे भी देखिए काफ़ी बढ़िया साइज बीच बीच का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसी हिसाब से रेट भी जो है 80,000 से 1,10,000। ये पाटिल साहब के साथ फिर आप डील करते हो बाबूजी? हाँ, पाटिल उनके साथ मैं डील करता हूँ। और भीम भोपाल वालों की खरीद की है। ठीक है ठीक है, ये देखिए काफी बढ़िया नीचे से साफ सुथरी, आगे दो कटड़े भी खड़े हैं, ये भी पाटिल साहब के पास हैं। हाँ जी, एक कटड़ा तो बिका हुआ है इसमें, ये तो अपने क्या बना ब्याह की डेट बिना रह गया इसका। अच्छा, ये कटड़ा बिका हुआ है, ये कहाँ जा रहा है बिक के? ये प्रभाकर पाटिल को ही जाएगा। ठीक है, कितने का दिया है कटड़ा ये? ये दोनों जाने दूसरे की बातचीत चल रही है, हो सका दूसरा चलिया जाए, लेकिन आज कन्फर्म है ये गाड़ी में एक लोड होगा। ठीक है ठीक है, ये नहीं गया तो इधर बिक्री के लिए भी होगा। कितने का बेचना है ये? ये इसका 65,000 का देना है। ये खीरा भी है, एक दांत तोड़ गया तो तोड़ गया, अभी दो ही दांत हो गया जी। हाँ, तोड़ गया होगा अभी, दो ही दांत समझो, 65,000 रुपए का बेचना है। कद लंबाई बहुत है इसका, 21 किलो 700 ग्राम का रिकॉर्ड है। 21,700। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। बाबूजी और कुछ कहना चाह रहे हो, कहाँ बेच रहे हैं पशुधन ज्यादा? कहना तो ये चाह रहे हैं जी, जो चीज अच्छी दिलाएगा बार बार ग्राहक आएगा। बिल्कुल, अच्छी के लिए घूम रहे हैं। कहाँ का ग्राहक ज्यादा है अभी अपने पास? अपने पास तो हर जाता रहे जी, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, ये MP, गुजरात। अगर सारा निचोड़ निकालें बात का, तो किस कीमत की भैंसे मिलेंगे, कितने दूध वाली मिलेंगी? देखो जी, दूध तो 80,000 भी दूध देगी 12 लीटर। हाँ हाँ, समझ गए। हाँ हाँ, और ये जो 3.5 का ये दूध देगी 20-22 लीटर। हाँ हाँ, ऐसे बोल रहे तो झूठ बोल रहे, कुछ भी कर दो 35 लीटर देगी, 30 लीटर देगी, 28 लीटर देगी। 35-30 वाली तो मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, झूठ बोल रहे। क्वालिटी के पैसे क्या बता, 60,000 की भी आ जाएगी, 10 किलो दूध, 10 किलो दूध भी दे देगी, और 10 किलो दूध की पहले ब्यात की छोटे सिंह की झूठी के 1,20,000 भी लगाने पड़ जाएंगे। वो अलग अलग रेट और अलग अलग क्वालिटी पर, बिल्कुल क्वालिटी पे रेट डिपेंड। भाई साहब, जो बड़ी झूठी है ना, अगर रोज तक के मार्केट में, जिंदगी मार्केट में होता ना, इसका प्राइस कम से कम 11 लाख रुपये होता। 11 लाख रुपए कम से कम होता है, ये सारे एरिया में थोड़ा सा डाउन है रेट, इसी कारण है। अच्छा, तो जींद में होता है या रोहतक की मार्केट में होता तो इसका रेट वैसे डबल 11 लाख की बिक जाएगी। अभी PDFA का मेला आ रहा है, वहाँ लेके जाओ, चैंपियन बना। गारंटी है अपनी, अभी तक यही खड़ी है। चैंपियन बना के लेके आओगे मेले में जाके, चाहे ब्यूटी कंपटीशन में, चाहे दूध के कंपटीशन में। सर, कोई जो अपना अपना काम है, बिल्कुल पसंद अच्छी लगे वहाँ से लेने का बात है जी। ये बोल देते हैं 25 लाख की, ये 12 लाख की, ये 10 लाख की, ऐसे बोलो, ऐसी ऐसी झोटी वही बिकती है। लेकिन बिकती कोई बेच दे 4 लाख की, बता देते हैं 14 लाख की, ऐसे भी है। इस बात में मैं ये बात को आपको कहता हूँ, ये बात हो सकती चलो है। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी जी। लोग कहते हैं अगर आपका यकीन नहीं होता, किसी भाई को भोपाल जाके देख सकता है, पूछ लेता है कितने के लेके आया ये जोटी। नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी जोटी है, बहुत अच्छी जोटी है। तो रेट भी 3.5 लाख में मेरे ख्याल से 4 पशु आ जाए अगर। हाँ, ये बात है, छोटे वाले 4 आ जाए, 4 पैसों की कीमत अगर एक में लग रही है तो बढ़िया ही होगी, तभी 10-10 किलो सुरेंद्र दूध भी देने वाली मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, ये तो ये देखिए आज का वीडियो भाविका डेयरी फार्म से लेके आए, बहुत ही शानदार वैसे, साइज बहुत बढ़िया, चारों थन काफी दूरी पे। ये जो बाद में आपने देखी, ये सारी जानी है वैसे, पर बाकर पाटिल के पास हनुमान डेयरी फार्म कोल्हापुर में, गाँव का नाम उनका मेरे को ध्यान में नहीं है, रिंडाल, ऊपरी रिंडाल, रिंडाल, हाँ ऊपरी रिंडाल। ठीक है ठीक है जी। और बाकी एक नंबर वाली जोटी बहुत ही शानदार सुपर क्वालिटी की आज हमें देखने को मिली, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना।
सभी भाई जो भी लास्ट तक बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो लोड होने हैं सर बाबकर पाटिल की इधर से। अच्छा दो लोड जाने हैं, ठीक है। एक लोड निकल जाए, एक लोड में 5-6 बज जाएंगे, अगले लोड में जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।